उनकी जो सुरक्षा का वातावरण है, जो सुरक्षा है, तो वगैरह ध्यान दीजिए कि अपना लोगों को भी इससे वंचित नहीं कर सकते हैं, अपना जो है पैसा जो है हमारा जाके नौ और बहुत अच्छे तीन और बहुत सकते हैं। हर आदमी का सपना होता है, जो भी व्यवसाय करता है पुराने जमाने के हैं। तो कल ही हमारे पास में भैया आए थे, तो वो भी पेट्रोल पम्प में लगते हैं, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करके आए। तो मैंने भैया पूछा और पेट्रोल पम्प ये शहर के रहने वाले लोग, और मेरा ये कहना है कि आप लोग बहुत अच्छा करें, ये व्यवहार में बहुत अच्छा करें, पूरे समझना समझते इसलिए है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मैं पुलिस कर्मचारी तो हुई परिवार में पेट्रोल पम्प है, तो मुझे पेट्रोल पम्प की पूरी टाइम मालूम है कैसे पेट्रोल पम्प बनते हैं, कैसे पेट्रोल पम्प में सामान आता है, माल आता है, जाता है और गाड़ी भी चलता है, पेमेंट करना पड़ता है। रहा सभी पेट्रोल पंप एसोसिएशन का बहुत अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स रहा। उन्होंने ये भी बताया कि नो हेलमेट नो पेट्रोल जो है उसको भी हम लोग 3 दिन बाद में यहाँ पे चालू करने वाले हैं, क्योंकि सड़क में काफ़ी दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो उसको देखते हुए सभी पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने ये इच्छा जाहिर की है कि इसमें एक उनका भी भागीदारी रहे और पुलिस भी इसमें उनके साथ में काम करेगी, और कोशिश हम लोग करेंगे कि ये जो सड़क पर लोग हेलमेट पहन के चले जिसकी वजह से मौतें कम हों, और बाकी सुरक्षा के बारे में सभी लोगों को बताया गया है, तो सभी ने बताया कि सहयोग अच्छा है।